7,000 60,000 60,000 ठीक। वहाँ बहुत सारे छुनछुरू लगे हुए थे, गुच्छियाँ लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य ब्लॉग्स। सुबह सुबह आया हूँ मैं, देखिए नेहरू कुंड मोड़, मेरी फेवरेट जगह। मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत यहीं से की जाए। आज जा रहे हैं जी हम लोग बुरुआ गांव में, वहाँ पर गंगा पूजन है एक, और मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि गुन्नू को छोड़ना होता है, तो वहीं से डायरेक्ट निकल जाता हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा देखिए व्लॉगिंग के लिए टाइम भी निकल जाता है हल्का फुल्का। तो अभी मैं नेहरू कुंड मोड़ के पास बैठा हुआ, और यहाँ से नज़ारा देखने को कुछ इस तरह का मिल रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त नज़ारा, ये नेहरू कुंड का नया पुल बन रहा है, और मुझे लगता है अब कुछ दिनों में निकाल दिया जाएगा, मतलब आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा ये। क्योंकि जो साइड में पोर्शन थे इसके, जो ये वाले हिस्से थे, ये बनना रह गए थे काफ़ी टाइम से, और अब ये बन गए हैं, और रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है आजकल टूरिस्ट का। और टूरिस्ट का रश वशिष्ठ जैसी जगहों पे पता चलता है, जो बहुत ही तंग है, और टूरिस्ट का जो दबाव है बहुत ज़्यादा है वशिष्ठ गाँव पर, हमारे गाँव पर। तो इस बात पे चर्चा भी हो रही थी किसी के साथ सुबह, कि बहुत मुश्किल हो गया, खासकर टेम्पो ट्रैवल्स नहीं रुक रहे हैं वशिष्ठ में, और इतना जाम लग रहा है उनकी वजह से। तो दोस्तों ये है हमारी आज की फील्ड, देखिए फील्ड में पहुंच गए हम लोग, हमारी टीम भी सारी पहुंच गई है, दीप्ति, अजय और अवस्थी। हाँ जी बुलेट ले लो भाई, ले लो, आप ले सकते हैं, आप पैसे वाले बंदे, आप पैसे वाले बंदे कुछ भी ले सकते हैं। हाँ एक बंदा बोल रहा था 30-35 के बीच में चाहिए उसको, 35 तो भी कोई मुश्किल है ना, आज की डेट में देखिए रेट पहुंच गया 2,50,000 वैसा है। तो ये हमारी फील्ड है, और बर्तन बहुत ज्यादा चढ़े हैं आज हमारे पास, दो वाइट में और रह गई है, 7,000 60,000 60,000 ठीक है ठीक है। दोस्तों अगर किसी को बाइक चाहिए, पल्सर बाइक 150 कितने, 60,000 डीपी की पर्सनल बाइक है, अच्छी कंडीशन है, जिसको लेनी है तो कांटेक्ट कर सकता है डीपी से, प्लीज इसके चैनल पे जाकर इससे कांटेक्ट कर लें, या इसके फेसबुक पेज पे। थैंक यू विवो भाई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेरी बाइक के बारे में। चने भी हो गए जी, लेकिन माश नहीं हो भाई, ओवर हो जाने तो कोई है, ओवर हो जाने कोई नहीं, दे रहे पा दो, आजकल हम सूखे सूखे ही खिला रहे हैं चने, वो पहले वाले ही थे काफी, नहीं फिर तो। दोस्तों आज की रसोई बनाने में काफी मुश्किल आ रही है, सबसे पहले तो दालें, एक भी दाल भिगोई नहीं थी यहाँ पे, तो बिना भिगोई हुई दालें बनाने तो ऐसे भी काफ़ी मुश्किल होता है, ऊपर से बुरुआ जैसे गांव में मतलब काफ़ी हाइट है ये जगह, तो इस पर क्या होता है कि यहाँ पर दालें आसानी से पकती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से जो ये पीछे कुकर दिख रहा है बड़ा वाला, इनमें हमने तीन दालें पकाई, पहले काले चने, उसके बाद सफ़ेद चने, अब माश डिप्पू के आए हुए जो कि होते ही नहीं है। हाँ जी हाँ, एक और आ रहा है यहाँ पर, एक और इशू आ गया, मीठा बैक मार रहा है, पता नहीं कैसा बैक गियर लग गया उसको शायद, तो काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी अड़चने आ रही हैं आज। बाकी हमारी रसोई देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, बढ़िया है। ये मिल चुके हैं मुझे गुच्छियाँ, एक ये है, एक ये है, और एक ये है देखिए, और एक ये है, और एक ये है देखिए। दोस्तों आपने देखा डीपी को अभी भी क्या मिला वहाँ पर, वहाँ बहुत सारे छुनछुरू लगे हुए थे, गुच्छियाँ लगी हुई थी, दिखा नहीं रहा था मुझे। तो
इस मौसम में वैसे बहुत रेयर ही होता है कि हम लोगों को गुच्छियाँ मिले, लेकिन ये हाइट की जगह है, शायद मिल गए होंगे। ये लो जी, लास्ट मसाला पड़ गया। इसको कम कम डाला कर, इसको बचाना था ना घर में, कंप्लेन नहीं है, क्या करना, बचाना था। ये चाय लेकर आया था मैं नीचे उस टाइम। दोस्तों बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है और मोटी मोटी बारिश गिर रही है। डीपी तो भीग गया था बेचारा, बहुत मतलब पिघल गया था। वाह क्या बात है, मौसम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काले बादल हैं जी। यहाँ देखिए, वहाँ वस्ती जी लगे हुए हैं। अब भत्त की जो हमारी कढ़ाई है चावल की, उसको ढकने, क्योंकि उस पर बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, बहुत बारिश पड़ रही है यानी कि। तो आज के ब्लॉग में बस दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अब कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा।